अगर आप एक प्रीमियम साउंडबार या फिर एक प्रीमियम होम थिएटर लेना चाहते हैं तो आपकी चॉइस शुरू और खत्म बोस और सोनोस पे ही होगी, क्योंकि यही दो ऐसे ब्रांड्स हैं जो आपके ऑडियो एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं और आपका एक एक पैसा इन पे खर्च करा हुआ प्रॉपर वर्थ होता है। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा। आपने इन दोनों प्रोडक्ट्स के आज तक बहुत सारे कंपैरिजंस देखे होंगे, लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगा और सुनाऊंगा वो आपने YouTube पे कभी भी नहीं देखा होगा, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों मैं एक बात पहले ही बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं ताकि आपके मन में किसी टाइप की कोई कंफ्यूजन या डाउट ना रहे। ना ही बोस ना ही सोनोज ने मुझे ये प्रोडक्ट भेजे हैं रिव्यू करके वीडियो बनाने के लिए, और ना ही इन्होंने मुझे पैसे दिए हैं इस वीडियो को बना के आपको कंपेयर करके दिखाने के लिए। इन दोनों प्रोडक्ट्स को इंडिविजुअली मैंने खुद खरीदा है Amazon से और उन्हें कंपेयर कर रहा हूं मैं पिछले 2 महीनों से। मैं इतने दिनों से इन्हें अलग अलग रूम्स में टेस्ट करने के बाद, इनसे ऑडियोज को रिकॉर्ड करने के बाद, इनसे लगातार कई ट्रेलर्स को रिकॉर्ड करने के बाद उसे अपनी ड्राइव पे अपलोड कर चुका हूं, और उन ऑडियो फाइल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है ताकि आप भी वो प्रीमियम ऑडियो एक्सपीरियंस को खुद सुन पाएं। मेरी गुजारिश रहेगी कि एक अच्छा हेडफोन या ईयरफोन लगा के उसे एक्सपीरियंस करें ताकि आपको वो एक्सपीरियंस समझ में आए। लेकिन वो समझ में आए उससे पहले आपको इसकी लुक्स के बारे में जरा बताता हूं। दोनों साउंड बार्स बहुत ही जबरदस्त प्रीमियम लुक्स के साथ आती हैं, एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट। दोनों साउंड बार्स में आपको मेटल और प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलेगी, विच इज वेरी वेरी प्रीमियम। और जो प्लास्टिक है दोनों ही साउंड बार्स में, दैट इज सॉफ्ट टच एंड मैट फिनिश। जहां सोनो साउंड बार में आपको ऊपर टच कंट्रोल्स और माइक्रोफोन होल्स देखने को मिलते हैं, वहीं बोस 600 साउंड बार में आपको ऊपर की तरफ अपवर्ड फायरिंग स्पीकर ग्रिल देखने को मिलती है। और बोस साउंड बार की अगर कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करूं तो आपको इसमें पीछे की तरफ HDMI, ERC, ऑप्टिकल पोर्ट और एक सर्विस पोर्ट मिलता है, और इसी के साथ साथ आपको ये साउंड बार ब्लूटूथ 4.2 और डुअल बैंड वाईफाई की सपोर्ट भी देगी, विच इज एक्सीलेंट। एंड टू एड ऑन द एक्सीलेंस, बोस साउंड बार के साथ आपको ये शानदार और स्लीक रिमोट कंट्रोल मिलता है, विच आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स ऑफ दिस टोटल होम थिएटर एक्सपीरियंस। ये सोनोस बीम जेन 2 साउंड बार है और इसका मैंने व्हाइट कलर लिया है क्योंकि व्हाइट मुझे अच्छा लगा और ये थोड़ा और प्रीमियम दिखता है। और इसके अंदर आपको आगे की तरफ 5 ड्राइवर्स देखने को मिलेंगे। इन 5 ड्राइवर्स में 4 स्पीकर ड्राइवर्स हैं और 1 ट्वीटर है। इसी के साथ 3 पैसिव रेडिएटर्स भी लगाए गए हैं और 5 एम्पलीफायर्स का भी यूज करा गया है, जो कि सोनोज ने डिक्लेयर तो नहीं किया लेकिन मेरे हिसाब से क्लास डी एम्पलीफायर्स हैं। कनेक्टिविटी ऑप्शंस में आपको पीछे की तरफ एक HDMI पोर्ट मिलेगा, एक ऑप्टिकल पोर्ट, एक लैन पोर्ट, और इस साउंड बार में आपको डुअल बैंड वाईफाई की सपोर्ट भी देखने को मिलेगी। और ऊपर की तरफ जो आपने माइक्रोफोन्स लगे हुए देखे, ये फार फील्ड माइक्रोफोन्स हैं जिनसे आप एलेक्सा या फिर गूगल असिस्टेंट को कमांड दे सकते हैं। बट आप सोच रहे होंगे कि ब्लूटूथ की सपोर्ट है या नहीं। एक्चुअली में है भी और नहीं भी, ये कुछ कुछ उसी तरीके से है जैसे एप्पल ब्लूटूथ के साथ आता तो है, लेकिन आप ब्लूटूथ से किसी एंड्रॉइड फोन में कुछ शेयर नहीं कर सकते। द सेम वे ब्लूटूथ इस साउंड बार में है तो सही, बट ओनली टू कनेक्ट विद द अदर सोनोस डिवाइसेस एंड नॉट विद योर फोन डायरेक्टली। इससे आपको सोनोस की ऐप की कंपैटिबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, और वो बेस्ट ऐप आपको कहां मिलेगी? ओनली ऑन iOS डिवाइसेस। एंड्रॉइड पे वो मजा नहीं है और सारे फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ स्लाइटली नेगेटिव पॉइंट। टॉकिंग अबाउट बोस साउंड बार, उसमें भी आपको 5 ड्राइवर्स देखने को मिलेंगे, एंड टू बी वेरी वेरी क्लियर, ये बोस 600 साउंड बार है और इसके अंदर आपको 4 स्पीकर ड्राइवर्स और 1 फ्रंट फायरिंग ट्वीटर मिलेगा फॉर डायलॉग्स। एंड ये जो स्पीकर ड्राइवर्स हैं, इन्हें बोस कहता है ट्रांसड्यूसर्स, और इनमें से 2 स्पीकर्स अपवर्ड फायरिंग पोजिशन पे आते हैं। नाउ दे आर डूइंग द प्रॉपर मैजिक इन दिस साउंड बार, जो मैं आपको आगे सुनाऊंगा। लेकिन एक्चुअली में मैंने इन 2 साउंड बार्स को लेने के बाद स्टोरी वहीं फिनिश नहीं करी।
मैंने इसके साथ इनके सबवूफर्स भी लिए और इनके सराउंड चैनल्स भी लिए ताकि मैं एक प्रॉपर होम थिएटर एक्सपीरियंस कर सकूं और आपको भी करा सकूं। सोनोस बीम 2 के साथ मैंने सोनोस का ही सबवूफर लिया जो है सोनोस सब मिनी और इसी ब्रांड के सराउंड चैनल्स सोनोस 1 Gen 2 स्पीकर्स को भी मैंने इसके साथ अलग से खरीदा ताकि आपको एक प्रॉपर 5.1 एक्सपीरियंस बता सकूं और सुना सकूं। लेकिन आपको ये भी जानना जरूरी है कि ये प्रॉपर सराउंड चैनल्स हैं भी और नहीं भी। आप इन्हें अलग से एक एक यूनिट करके भी खरीद सकते हैं और आप इसे नॉर्मल वाईफाई स्पीकर की तरह भी यूज कर सकते हैं। बट ऑन द कॉन्ट्ररी मैंने बोस 600 साउंड बार के साथ बोस का बेस मॉड्यूल 500 लिया और बोस के सराउंड चैनल्स जो कि एक्चुअली में प्रॉपर सराउंड चैनल्स हैं उन्हें लिया एंड दे आर वायरलेस सराउंड चैनल्स। ये बनाते हैं इन दोनों साउंड बार्स को एक प्रॉपर होम थिएटर सेटअप और अब बारी है इन दोनों को कंपेयर करने की। तो सबसे पहले आपको क्या मैं इसका ऑडियो टेस्ट सुनाऊं, सुनिए। आपने जो सोनोज और बोस दोनों के ऑडियो टेस्ट सुने उसे सुनने के बाद आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि यार इसमें से सोनोज ज्यादा अच्छा है या बोस। ये कंफ्यूजन बहुत ऑब्वियस है, इसी के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ऑडियो फाइल्स के लिंक को चेक करें, उसे डाउनलोड करें, एक अच्छा हेडफोन या ईयरफोन यूज करें, उससे आपको समझ में आएगा जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। आपको जो एक्सपीरियंस अभी मिला दैट वॉज ट्रूली अमेजिंग। ये सबसे ज्यादा नेचुरल एक्सपीरियंस आपको मिला किसी भी ऑडियो प्रोडक्ट से। सबसे बड़ा फोकस जो इन दोनों ही ऑडियो प्रोडक्ट्स का है वो है मिड नोट्स पे। इन दोनों ही साउंड बार्स में आपको फॉरवर्ड फायरिंग एक ट्वीटर मिलता है फॉर द स्पेशल डिलीवरी ऑफ मिड नोट्स। इससे क्या होता है, आपको डायलॉग्स या फिर जो भी वोकल्स होते हैं किसी सॉन्ग में या किसी भी यू नो कंटेंट में जो आप देख रहे हैं उसकी जो क्लैरिटी है वो जबरदस्त मिलती है। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप कभी भी ब्लोटेड या फिर थिन वोकल्स को एंजॉय नहीं कर सकते। आपको चाहिए प्रॉपर एंड नेचुरल वोकल्स और ये दोनों प्रोडक्ट्स ना ब्लोटेड और ना ही थिन वोकल्स दे रहे हैं। यहीं पे सबसे बड़ी जीत है इन दोनों साउंड बार्स की और इन दोनों प्रॉपर होम थिएटर्स की, क्योंकि कोई भी बेस वोकल्स के साथ इंटरफेरेंस नहीं कर रही। मतलब इन सबवूफर्स की जो बेस है वो वोकल्स के साथ इंटरफेयर करके मिड नोट्स के ऊपर से ओवरलैपिंग नहीं कर रही, जिससे आपको प्रॉपर डायलॉग सुनाई देंगे। आप अगर म्यूजिक सुन रहे हैं तो आपको प्रॉपर वोकल सुनाई देंगे एंड दैट इज अ विन फॉर एनी ऑडियो प्रोडक्ट, क्योंकि यही सबसे मुश्किल होता है किसी भी होम थिएटर के अंदर अचीव करना, जो इन दोनों प्रोडक्ट्स में आपको बहुत ही अच्छा मिलता है। सबवूफर के लगाने की वजह से हमें बेस का रिस्पॉन्स सोनोज और बोस दोनों से ही बहुत अच्छा मिला। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है जो आप किसी भी ऑडियो टेस्ट में या फिर मेरी ऑडियो फाइल्स में भी नहीं ढूंढ सकते, जो मैं आपको बता सकता हूं। बोस का जो ये सबवूफर है, बोस बेस मॉड्यूल 500, ये आपको ओमनी डायरेक्शनल बेस देता है। इसीलिए आप कभी भी बोस के स्टोर में जाएंगे तो आपको ये बताएंगे कि आप इस सबवूफर को कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। Now, what is an omnidirectional bass? And by the way, वो आपको सोनोस के इस सबवूफर में नहीं मिलेगी। And in fact, for that matter, आपको शायद किसी और ब्रांड के अंदर, बहुत हाई एंड ब्रांड या बहुत हाई एंड प्रोडक्ट में तो शायद मिलेगी, लेकिन इस रेंज के या इससे डबल रेंज के प्रोडक्ट्स में भी नहीं मिलेगी। ओमनीडायरेक्शनल बेस का मतलब ये होता है कि आप कहीं पे भी सबवूफर को रखें, आपको रूम में किसी भी जगह बैठने पे बेस का रिस्पॉन्स वैसा ही फील होगा। एंड रिमेंबर, दीज आर प्रीमियम ऑडियो ब्रांड्स, ये आपको बहुत ज्यादा सुनाई देने वाली बेस नहीं देंगे, ये अपर बेस के अंदर अपने ऑडियो सिग्नेचर को खराब नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको बेस
टाइट या लूज नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको मिलेगी प्रॉपर बेस। और ये जो बेस है जो आपको इस बोस के सबवूफर से मिलती है, That I am in love with, क्योंकि ये जो लेयर्स मुझे सुनने को मिली, जो आपको इसके अंदर रिस्पॉन्स पता चलेगा, अगर एक कोई भी, you know, for an example, अगर एक ढक्कन खुल रहा है किसी चीज का और उसकी ऑडियो रिकॉर्ड करके आपको सुनाई दे रही है किसी भी मूवी में या किसी भी कॉन्टेंट में, तो आपको वो अलग अलग लेयर वाइज सुनाई देगी इन बोस बेस मॉड्यूल। एंड This is magical according to me, और ये जो layers हैं, यही चमत्कारी चीज है जो Bose का मुझे fan बनाती है। Okay, so Sonos Sub Mini से भी आपको bass response बहुत अच्छा मिलेगा, इसमें भी आप layers सुन सकते हैं, इसमें भी आपको tight या loose bass response नहीं मिलेगा, आपको proper bass feel होगी। अगेन सुनाई नहीं देगी बिकॉज अगेन इट इज अ वेरी प्रीमियम प्रोडक्ट, और ये जो बेस रिस्पॉन्स आपको दे रहा है दैट इज अमेजिंग, बट इज इट एज गुड एज द बेस मॉड्यूल 500? नॉट रियली अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि ये ओमनी डायरेक्शनल नहीं है। इसको अगर आप प्रॉपर एक डायरेक्शन पे रखेंगे और प्रॉपरली प्लेस करेंगे, ओनली देन यू गेट द प्रॉपर रिस्पॉन्स। एंड यू नो अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज 90% पीपल डोंट नो हाउ टू प्लेस अ सबवूफर करेक्टली, और सोनोस के अंदर ये और भी ज्यादा प्रॉब्लम है, बिकॉज यू नो सी द फ्यूचरिस्टिक काइंड ऑफ डिजाइन जो ऑफ सोनोस, आपको ये सबवूफर देखने में उतना ही अच्छा लगेगा जितना ही ये डिफिकल्ट है सही प्लेस करना। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो कि ऑडियो वीडियो सेगमेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन दोनों साउंड बार्स को अपने टीवी के साथ HDMI पोर्ट से कनेक्ट करें, एंड पर्टिकुलरली HDMI ARC एंड इवन बेटर इफ यू हैव EARC पोर्ट। और हमने भी यही किया, और उसके बाद एक ट्रेलर चलाया और उस ट्रेलर की ऑडियो को रिकॉर्ड किया, उसका आपको ऑडियो फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, लेकिन आप पहले थोड़ा सा ट्रेलर यहाँ पे सुनिए। My father didn't believe in revenge. What if Paul Atreides were still alive? ये जो एक्सपीरियंस था, इसे सुन सुन के मैं बता नहीं सकता आपको कितने गूजबम्स हुए मुझे, बिकॉज ये दोनों साउंड बार्स अपनी अपनी जगह बहुत ज्यादा कैपेबल हैं, और आपको ये एक सिनेमा हॉल से कम एक्सपीरियंस नहीं कराएंगे, एंड इट इज माय गारंटी। अब मैं आपको वो कुछ डिटेल्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ जो ना आप ऑडियो फाइल्स में समझ पाएंगे और ना ही आप ये सुन पाएंगे, क्योंकि जब आप इन दोनों सिस्टम्स को खुद सामने बैठ के सुनेंगे, ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको सोनोस में बहुत अच्छी सराउंड मिलती है। लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली दिस सराउंड चैनल इज नॉट द प्रॉपर सराउंड चैनल। इसमें आपको एक मिड वूफर यानी एक स्पीकर और एक ट्वीटर लगा हुआ मिलता है विद 2 Class D एम्पलीफायर्स, और इसका मतलब ये हुआ कि दोनों अपनी अपनी जगह अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को प्ले तो कर रहे हैं, उससे आपको सराउंड का अफेक्ट और उसका मैजिक जरूर मिलता है। बिकॉज आप जब इस साउंड बार को इन सराउंड चैनल्स के साथ एज सराउंड चैनल्स ट्यून करते हैं और कनेक्ट करते हैं इन दी ऐप, तभी सोनोस ऐप दो काम करती है। पहला, आपके रूम के अकूस्टिक्स को ऑडियो प्ले करके और थ्रू विद द हेल्प ऑफ द माइक्स जो आपको इस सराउंड चैनल के ऊपर भी मिलते हैं और साउंड बार के ऊपर भी, उसकी मदद से आपके रूम के अकूस्टिक्स को चेक कर लेती है, और दूसरा इस सराउंड चैनल के अंदर सराउंड फ्रीक्वेंसीज ही भेजी जाती हैं, अदरवाइज ये मिड नोट्स और लो नोट्स को भी डिलीवर करने के लिए केपेबल है इफ यूज्ड सेपरेटली। अब ये कहीं ना कहीं सराउंड फ्रीक्वेंसीज को उतने अच्छे से प्ले नहीं कर सकता जितना बोस कर सकता है, बिकॉज दिस इज अ डेडिकेटेडली सराउंड चैनल।
इसमें आपको जो एक ड्राइवर मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ सराउंड फ्रीक्वेंसीज को प्ले करता है। जो मैंने आपको एक बात बताई थी कि बोतल को खोलने वाला अगर आप ऑडियो सुने और उसके अंदर आपको बेस की लेयर्स सुनाई दे, तो बेस की लेयर्स हाई नोट्स की सही डिलीवरी जो कि एक्चुअली सराउंड चैनल से सबसे ज्यादा परफेक्टली करी जा सकती है, उसके बिना अचीवेबल नहीं है। एंड दैट इज व्हाई दीस सराउंड चैनल्स प्ले द बेस्ट पार्ट, द बेस्ट रोल, यू नो, इन गिविंग द ट्रू सराउंड साउंड। और ये डॉल्बी एटमॉस का जो एक्सपीरियंस मुझे इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर मिला, एंड बाय द वे सोनोस और बोस दोनों डॉल्बी एटमॉस कंपैटिबल हैं। जो डॉल्बी एटमॉस का एक्सपीरियंस मुझे बोस में मिला वो उतना मुझे सोनोज में नहीं मिला। अब आपको दोनों साउंड बार्स के ऑडियो फॉर्मेट्स की सपोर्ट भी बताता हूँ और जो ये एक्स्ट्रा फीचर्स आपको देते हैं वो भी समझाता हूँ। बोस और सोनोज दोनों डॉल्बी एटमॉस की सपोर्ट के साथ आते हैं और ये बाकी सारे ऑडियो फॉर्मेट्स को सपोर्ट करते हैं। और बोस में आपको क्रोमकास्ट बिल्ट इन, एप्पल एयरप्ले, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट की सपोर्ट, ये सारे और फीचर्स देखने को मिलेंगे। जबकि सोनोज में आपको एप्पल एयरप्ले 2 की सपोर्ट मिलती है, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट की सपोर्ट मिलती है। और जो सबसे शानदार फीचर मुझे सोनोज का लगा वो है रूम के अकोस्टिक्स को मेजर करने की टेक्नोलॉजी, जो आपको सोनोज में डिक्लेयर्ड मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि बोस के अंदर भी ये अनडिक्लेयर्ड टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। उसके दो कारण है। पहला, दिस सबवूफर इज गिविंग द ओमनी डायरेक्शनल बेस। दूसरा, जब हम सराउंड चैनल्स को बोस 600 साउंड बार के साथ कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बोस म्यूजिक ऐप, उसके बाद अकोस्टिक मेजरमेंट्स होती हैं और वो ही डिटरमाइन करती हैं कि आपके रूम की अकोस्टिक्स कैसे हैं, जो कि सोनोज में डिक्लेयर्ड है फीचर लेकिन बोस में अनडिक्लेयर्ड फीचर है। जिस तरह बोस कभी भी ये डिक्लेयर नहीं करते कि उनके स्पीकर्स, जो भी ड्राइवर्स लगे हैं साउंड बार में या फिर सब वूफर में, वो क्या साइज के हैं और वो कितनी वाट के हैं, यानी उनका आउटपुट क्या है, और किसी को फर्क भी नहीं पड़ता, बिकॉज एज लॉन्ग एज यू आर लिसनिंग टू द बेस्ट ऑडियो You really don't care. Okay, now let's talk about pros and cons. लेकिन उससे पहले इसका प्राइस, ये एक प्रीमियम प्रोडक्ट रेंज है और इनका प्राइस आपकी स्क्रीन पे इस समय आपके सामने है। इन सबको आपको अलग अलग खरीदना पड़ेगा। ये ऑफलाइन मार्केट में हमेशा 100% प्राइस पे ही मिलते हैं, यानी इन पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। लेकिन मैंने इन्हें अमेजोन से खरीदा है, ये MRP भी नहीं, इस ही प्राइस पे मिले जो आपके सामने इस समय स्क्रीन पे लिखा है। Coincidentally, आज का भी प्राइस है। ये प्राइसेस चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपको इनके लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और VM1 प्रीमियम ऑडियो लिस्ट में भी। ये क्या लिस्ट है? इस लिस्ट के अंदर वो वाले ऑडियो प्रोडक्ट्स मैंने इंक्लूड करे हैं जो कि जेन्युइनली बहुत ज्यादा अच्छे हैं और प्रीमियम ऑडियो सिग्नेचर्स और प्रीमियम ऑडियो एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। आपको इन्हें चेक करना है और अगर आपको इनमें से कोई पसंद है तो वो सारे मेरे अफिलिएट लिंक हैं, उसे यूज करने पे इस चैनल की थोड़ी सी फाइनेंशियल मदद होती है, जिससे मैं इतने सारे प्रोडक्ट्स खुद खरीद के आपको एक ऑनेस्ट कंपैरिजन करके दिखा पाता हूँ, जो शायद पूरी दुनिया में आपको और कोई नहीं दिखा सकता। उसका कारण है कि मुझे किसी ब्रांड पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। मैं आपसे दोस्ती करता हूँ और आप पे डिपेंडेंट हूँ। Shall we talk about pros and cons of both these products? We should. Bose और Sonos के pros बिल्कुल सेम है, लेकिन उनमें थोड़ा सा फर्क है। और वो थोड़ा सा फर्क आपको बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस दे पाएगा या नहीं, एक्चुअली में दे पाता है। बोस में आपको प्रॉपर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलेगा अपने बेडरूम में या अपने लिविंग रूम में, जहां पे भी आप इसे लगाना चाहें। अगर आप होम थिएटर पूरा लगा रहे हैं और सराउंड चैनल्स को ठीक से प्लेस कर रहे हैं, तो आप सब ऊपर कहीं पे भी रख रहे हैं तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि ये ओमनी डायरेक्शनल बेस के साथ आने वाला सबवूफर है एंड यू कैन प्लेस इट एनीवेयर इन द रूम, एंड दैट्स अ बिग बिग प्रो ऑफ दिस पर्टिकुलर होम थिएटर। नाउ इसमें जो आपको बेस मिलेगी उससे मैं सबसे ज्यादा खुश हूं, क्योंकि इसमें जो लेयर्स आप सुनते हैं, ये जो लेयर्स आपको सबवूफर भी देता है, लेयर्स आपको जो ये साउंड बार भी देती है, जो इसकी सिर्फ साउंड बार लेना चाहते हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छी चीज है कि ये जो अपवर्ड फायरिंग स्पीकर्स हैं, ये आपको एक अलग टाइप का सराउंड एक्सपीरियंस देती है।
आप हैरान हो जाएंगे जब एक चीज को समझेंगे। मान लीजिए आप ब्लाइंड फोल्ड हैं और किसी सीन में अगर ऊपर से प्लेन जा रहा है या किसी गन से फायरिंग हो रही है और आपको अगर ऑडियो का सोर्स नहीं पता चले कि वो कहाँ है, दैट कैन हैपन इन बोस बट नॉट इन सोनोस। ये एक डिफरेंस है क्योंकि इसमें अपवर्ड फायरिंग ड्राइवर्स हैं और ये सराउंड चैनल्स जेन्युइनली सराउंड चैनल्स हैं। ये दो मेजर फर्क हैं जिसकी वजह से आपको जो लेयर्स हैं बेस की वो सुनाई देती हैं, आपको प्रॉपर मिड नोट सुनाई देते हैं, ना थिन ना ब्लोटेड, विच इज द बेस्ट पार्ट। और ये जो सराउंड चैनल्स आपको एक्सपीरियंस देते हैं इस पूरे सेटअप के साथ, यानी बोस 600 साउंड बार, बोस बेस मॉड्यूल 500 और बोस सराउंड चैनल्स का जो एक साथ एक्सपीरियंस है, that is no less than exceptional. Now talking about Sonos, इसके अंदर भी आपको proper home theater experience मिलेगा। आपको इसके अंदर भी बेस की लेयर्स फील होंगी, आपको सुनाई देंगी, थोड़ा सा महसूस ज्यादा होंगी, एंड आपको वो जो लेयर्स हैं वो तभी महसूस होंगी प्रोवाइडेड यू प्लेस दिस सबवूफर प्रॉपरली एंड राइटली। ये करना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने आपको एक छोटा सा डेमो दिखाया है। इस तरीके से आपको सबवूफर को प्लेस करना है एंड दैट इज द राइट वे टू डू इट। आप अगर इसे लेंगे, इस तरह से प्लेस करेंगे, देन यू विल गेट द प्रॉपर बेस रिस्पॉन्स फ्रॉम दिस सबवूफर। आपको सराउंड एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा मिलेगा, उतना अच्छा नहीं जितना बोस में मिलता है, क्योंकि ये प्रॉपर सराउंड चैनल्स नहीं है। इनका ये प्लस पॉइंट भी है और ये माइनस पॉइंट भी, बिकॉज अगर आप इन्हें अलग से यूज करना चाहें एज अ वाईफाई स्पीकर, यू कैन डू दैट, बट दे आर नॉट द प्रॉपर सराउंड चैनल्स। दो दे आर एबल टू प्ले द राइट सराउंड फ्रीक्वेंसीज, बट उसके साथ साथ ये कहीं कहीं मिड फ्रीक्वेंसीज को भी काफी ज्यादा प्ले करते हैं, जिसकी वजह से हमें एक थिएटर लाइक एक्सपीरियंस लगता तो है, वो सराउंड एक्सपीरियंस आता तो है। डॉल्बी एटमॉस को आप डिनाई नहीं कर सकते इस सिस्टम से, लेकिन इट कैनॉट मैच द बोस सिस्टम इन माई ओपिनियन। ओके, नाउ कमिंग टू द कॉन्स। कॉन्स भी होते हैं ऐसे सिस्टम्स के जो प्रीमियम ऑडियो सिग्नेचर के साथ आते हैं, क्योंकि नो प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड इज परफेक्ट। नाउ मेरे हिसाब से बोस का जो एक बहुत मेजर कॉन है वो है ये जो सराउंड चैनल्स हैं, ये दिखने में छोटे हैं लेकिन उसके साथ आपको ये अडैप्टर भी लगाना पड़ता है। ये अडैप्टर को अगर आप फॉल सीलिंग के अंदर हीट डाल के उसके बाद सराउंड चैनल्स को लगाएंगे, देन इट इज वेरी वेरी गुड। एंड बाय द वे, मैं यही करने वाला हूं अपने घर पे बोस को लगाते समय, लेकिन दिस इज देयर। अब आपको कौन बताता हूं, सोनोस का, तो उसके अंदर आपको कोई रिमोट कंट्रोल नहीं मिलता, लेकिन बोस में आपको मिलता है। इसे लेने वाले वो लोग हो सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा ऐप फ्रेंडली और हर चीज अपने फोन से कंट्रोल करना चाहते हैं। इफ यू आर वन ऑफ देम, देन दिस इज द राइट प्रोडक्ट फॉर यू, क्योंकि ये आपके पास अगर आपका फोन या फिर ऐप ढंग से आप यूज करना नहीं जानते हैं, देन यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय दिस प्रोडक्ट प्रॉपरली। आप सोनोस को पूरी तरह एंजॉय ही नहीं कर सकते हैं। एंड द सेकंड कॉन इज दैट इट डज नॉट हैव ब्लूटूथ। दो इट हैज ब्लूटूथ, बट आपके लिए ओपनली एक्सेसिबल नहीं है। यू कांट डायरेक्टली ओपन योर फोन एंड स्टार्ट प्लेइंग फ्रॉम स्पॉटिफाई। जैसे आप YouTube ओपन कर लें और उससे प्ले कर लें, आपको अगर Spotify से गाना प्ले करना है, देन यू हैव टू इंटीग्रेट Sonos ऐप एंड योर Spotify अकाउंट एंड देन प्ले द सॉन्ग थ्रू Spotify। लेकिन आपको अगर YouTube से कोई सॉन्ग प्ले करना है, तो आपको इस साउंड बार को पहले HDMI से कनेक्ट करना पड़ेगा अपने टीवी में, ओनली देन यू विल बी एबल टू प्ले दैट सॉन्ग ऑन योर टीवी थ्रू द साउंड बार। That is the con according to me for some, और कई लोगों के लिए बिल्कुल भी con नहीं है। Now decide properly. Okay, now the verdict. In my opinion, Bose is a clear winner in this competition. और मैंने, क्योंकि दोनों product ही खरीदे हैं, मैं लगाऊंगा Bose को अपने bedroom में ताकि मैं इसे enjoy कर सकूं. And yes, my bedroom is more than 300 square feet. इसकी वजह से मैं इसे लगा सकता हूं और मुझे इस system में जो proper sound stage का, and by the way, this
सिस्टम ऑल्सो गिव्स अ वेरिएबल साउंड स्टेज, जिसका मतलब मैं आपको थोड़े टाइम बाद किसी और वीडियो में समझाऊंगा। बट यस, ये सिस्टम बहुत ही अलग लेवल का है। मैंने आपको इसके लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसको ये सिस्टम पसंद है सोनोस का वो भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके भी लिंक्स दिए हैं। और आपको याद रखना है कि प्रीमियम ऑडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिस्ट दी है उसे जरूर चेक करें। आपका कोई सवाल है इन दोनों प्रोडक्ट से रिलेटेड, लिखिए कमेंट सेक्शन में और मैं आपका जवाब जल्दी से जल्दी देने की पूरी कोशिश करूंगा। और कैसा लगा आपको ये वीडियो ये भी बताइएगा मुझे कमेंट्स में। ये पहली बार किसी भी इंडिया में चैनल ने एक कोशिश करी है ऐसे प्रोडक्ट को रिव्यू करने की विदाउट टेकिंग एनी स्पॉन्सरशिप फ्रॉम एनी ब्रांड। डू राइट इन योर कमेंट्स कि आपको ये कैसा लगा वीडियो। मैं आपको फिर से मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी वेरी मच।